जी, माना जा रहा है कि इस साल जन्माष्टमी के दिन द्वापर युग जैसा संयोग बनने जा रहा है, उस दिन जातक को क्या करना चाहिए? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। इस बार 26 अगस्त सोमवार 8:20 तक सप्तमी है, इसके बाद अष्टमी पड़ जा रहा है और रात्रि में जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे इस धरती पर, तो रोहिणी नक्षत्र था और अर्धरात्रि चंद्रमा का उदय। तो इस बार ऐसा संयोग है कि कृतिका नक्षत्र सुबह ही 9:10 में समाप्त होकर के रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है, जो कि रात्रि में रोहिणी नक्षत्र रहेगा और दिन जो है वह सोमवार है। 12 रात्रि नक्षत्र रोहिणी, दिन सोमवार और चंद्रमा का उदय 11:05 में होगा। तो इस बार जो संयोग हो रहा है वो तो पुराणों में वर्णित है कि द्वापर युग में इसी संयोग में भगवान कृष्ण का प्रकाट हुआ था और उसी दिन लोग जन्माष्टमी का व्रत भी करेंगे। रात 12 जब भगवान कृष्ण का प्रकट होगा तो अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल के सामने या भगवान उनके मंदिर में जा करके खीरे को, खीरा में जो है सिक्का से उसको काट करके उसमें भगवान कृष्ण का प्रकट रूप देख करके ही हर्षोल्लास के साथ उस दिन रात्रि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। रात्रि 12 के समय में उस समय शंख निश्चित बजाएं, घड़ी घंट निश्चित बजाएं और कृष्ण जन्म का उत्सव 12 रात्रि निश्चित मनाएं। और दूसरे दिन गोकुल में नंदोत्सव मनाया जाता है। तो जब भगवान का प्रकट हुआ, भगवान मथुरा से गोकुल चले गए, इसके बाद वहाँ नंद के यहाँ उत्सव मनाया गया। तो उत्सव जो है वह दूसरे दिन, लेकिन कृष्ण जन्म का व्रत जो है वह अगस्त में।